गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आवर टुडे टॉपिक इज द लेवल ऑफ गवर्नमेंट. हमारी कल का जो टॉपिक था हमने टाइप्स व्हाट इज गवर्नमेंट उसके ऊपर डिस्कस किया था. तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट में जनरली हम देखेंगे सरकार जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, कितना क्लासिफिकेशन होते हैं. देर आर थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट. फर्स्ट वन आपका द हाइस्ट लेवल, उसको हम बोलते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट. देन द स्टेट लेवल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं. एंड बोलते हैं आपका जो लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट मीन्स आपका पर्टिकुलर टाउन सिटी या विलेजेस को जो वेल प्लान्ड वेल ऑर्गेनाइज मैनर में जो रेगुलेट करे या रूल्स बनाए उसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, तो कितने टाइप्स की कितने लेवल की गवर्नमेंट है? थ्री लेवल का. हाइस्ट लेवल द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन आपका स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. देन हम आज देखेंगे सर डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन. एक डिसीजन कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मेक लॉज एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज टू फॉलो दिस. ठीक है, सरकार का जो पहला काम होता है वो क्या होता है? कोई नियम बनाना. खाली बनाने से नहीं चलेगा, नियम बनाने के बाद ये भी होता है जो भी नियम बनाए लोग उसको एक्सेप्ट करें. ठीक है, दिस इज द ओनली वे बाय विच ए गवर्नमेंट कैन फंक्शन. यही तरीका है जिसकी वजह से एक सरकार काम कर सकता है. अगर उसने रूल्स रेगुलेशंस बना दिया लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो दैट डजंट मैटर, ये इसका कोई मायने नहीं रहता. द गवर्नमेंट नॉट ओनली मेक्स द डिसीजन. गवर्नमेंट सिर्फ सरकार जो होती है सिर्फ नियम नहीं बनाता बट ऑल्सो हैज द पावर टू एनफोर्स द डिसीजंस. और उसके पास ये ताकत होना चाहिए, पावर होना चाहिए कि वो डिसीजंस कैसे फ्रूटफुल हो सके या डिसीजन जो भी बनाया गया है ताकि वो कैसे आगे बढ़ सके या उसका मतलब वो कार्रवाई हो सके. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द गवर्नमेंट मेक्स ए लॉ दैट गिविंग और टेकिंग अ ब्राइड इज ब्राइब इज नॉट परमिसेबल दैट नीड्स टू इम्पोस्ट इन पॉलिसिंग टू जो टेक ब्राइब. ठीक है, अगर हमारी सरकार ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं तो सपोज फॉर एग्जाम्पल हम दहेज की प्रथा को देख लेंगे. सरकार ने अगर स्ट्रिक्टली नियम बनाया है कि हाँ दहेज लेना कानून अपराध है तो अगर उसको तब तक वो सक्सेस नहीं हो पाएगा जब तक जो लोग हैं उसको नहीं मानते. ठीक है, अगर हम सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस बना दें खाली आपका दहेज की बात नहीं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस है हमारे रेवेन्यू को लेके है, हमारे क्राइम रिलेटेड जो भी है, अगर सरकार ने जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जब तक वो उसी तरह से काम नहीं करेगा तो उसका कोई मायने नहीं रह पाता. ये गवर्नमेंट हैज़ नो पावर टू एनफोर्स द लॉ. अगर सरकार के पास वो पावर नहीं है कि जो भी लॉ बन रहा है वो फ्रूटफुल हो सके, वो कार्यकारी हो सके, देन उसका कोई मतलब ही नहीं रहता. इट डजेंट हैव एनी सेंस. ठीक है, पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस लॉ एनफोर्समेंट प्रोसीजर. और लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है. इफ़ दे फील दैट द पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बींग फॉलोड बाई समवन दे कैन गो टू द कोर्ट एंड क्लेम दैट द लॉ इज वायलेटेड. अगर लोगों को ये रूल्स रेगुलेशंस पसंद नहीं है या ये नया जो रूल बना है सरकार के द्वारा अगर उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या ट्राइब के अंदर कुछ आंदोलन वगैरह क्रिएट हो रहा है तो जो कॉमन पीपल होते हैं जो सिटीजन होता है वो कोर्ट में जा सकता है या उसकी अगेंस्ट कुछ भी केस फाइल हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ ए स्टूडेंट इज डिनाइड टू एडमिशन टू द कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिलीजन और कास्ट ही कैन गो टू द कोर्ट एंड क्लेम दैट द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड. अगर किसी बच्चे को स्कूल में किसी पर्टिकुलर उसकी विलिंग उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग किसी कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन कास्ट और रिलीजन को लेकर देन वो कोर्ट में जा सकता है और ये कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है. ठीक है, क्योंकि ये रूल्स बन चुका है एवरी इक्वालिटी जो होती है राइट्स एजुकेशन राइट्स जो होती है सबके लिए इक्वल है तो वो कोई भी स्कूल या कॉलेज के अपने आप को एडमिशन कर सकता है. द कोर्ट कैन देन टेक नेसेसरी एक्शंस अगेंस्ट द कॉलेज और अथॉरिटीज. इसके बाद कोर्ट जो होता है वो नेसेसरी एक्शंस लेता है कोर्ट और कॉलेज की अगेंस्ट. देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की कितने प्रकार की सरकार होती है. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे मोनार्ची. व्हाट इज मोनार्ची? इन द फर्स्ट मोनार्ची वॉज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पहले ये जो मोनार्ची था ये गवर्नमेंट का एक कॉमन फॉर्म था. इन दिस टाइप ऑफ ए गवर्नमेंट इसी तरह में क्या होता है? ए किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस अराउंड गवर्नमेंट. मोनार्ची में क्या होता है? एक राजा या रानी के पास पावर होता था जो कि एक सरकार को या वो शासन करता था उसके पास पूरा पावर होता है जो कि अपने आप को एक गवर्नमेंट डिक्लेयर करता था. इट इज़ ए हेरिडिटरी फ्रॉम हु इज़ द किंग और क्वीन इनहेरिटेड द थ्रोन फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ये हेरिडिटरी था, वंशानुगत था. मीन्स मम्मी पापा अगर राजा है तो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन चाहे वो कैपेबल हो या ना कैपेबल है उसी को ही राजा बनना पड़ता था. इट इज़ मोनार्ची.
ठीक है। दी मोनार्क्स एज स्मॉल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज दी हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। उनके बहुत कम टाइम, कम मिनिस्टर्स थे डिपार्टमेंट वाइज, उनके बहुत कम मिनिस्टर्स थे, बट दी मोनार्क टेक्स द फाइनल डिसीजन हिमसेल्फ। लेकिन जो राजा था, अलग अलग मिनिस्टर्स थे, उन्होंने अलग अलग रूल्स बनाते थे, लॉज बनाते थे, लेकिन राजा के पास कैपेसिटी होता था कि वो ही फाइनल या डिसीजन करे, फाइनलाइज करे जो भी रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो करना है, ठीक है। द पीपल हैव टू राइट्स टू चूज देयर रूलर, नॉट दे कैन क्वेश्चन टू एनी ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय हिम। लोगों के पास ये पावर नहीं था कि कोई भी डिसीजंस के अगेंस्ट कुछ क्वेश्चन पुट अप कर सके, या उनका जो वायलेशन था या रिवॉल्यूशन वो कर सके। राजा या जो द पावर, जो सुप्रीम पावर उस टाइम राजा को बुलाता था, उसके पास सब कुछ रहता था, वो चाहे तो कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस बनाता था। और कॉमन लोगों के पास ये पावर नहीं था, ये ताकत नहीं था कि उसके अगेंस्ट कुछ क्वेश्चन पुट अप कर सके, ठीक है। देन भूटान एंड नेबर ऑफ इंडिया हैज दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे जो भूटान है, नेपाल, ठीक है, तो वहाँ पे आज भी मोनार्ची टाइप ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आज डिस्कस किया कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में जनरली थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। इसके बाद टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में हमने मोनार्ची के बारे में डिस्कस किया। मोनार्ची क्या होता है, ये इनहेरिडिटरी होता है, मीन्स क्या, वंशानुगत होता है। सपोज राजा के बेटा राजा ही बनेगा, हो सकता है कैपेबल हो या ना हो, लेकिन इट इज़ हेरिडिटरी। आप राजा है तो बेटा राजा ही बनेगा, ठीक है। और उसके अगेंस्ट वो जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं, उसको कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं कर सकता, दैट्स फाइनल, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग मिनिस्टर को उन लोगों ने नियुक्त किए थे, बट वो सिर्फ रूल्स बनाते थे, फाइनलाइज करने का काम आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट जैसे कि राजा का होता था। तो ये हो गया आपका मोनार्ची। नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट डेमोक्रेसी, जिसको हम गणतंत्र बोलते हैं, नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे।